क्वेश्चन नंबर थ्री में राधा मेड अ पिक्चर ऑफ एन एरोप्लेन, राधा एक एरोप्लेन की पिक्चर बनाती है विद द हेल्प ऑफ कलर्ड पेपर, तो हमें बताना है कि टोटल एरिया ऑफ दिस एरोप्लेन, इस एरोप्लेन का टोटल एरिया बताना है। जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहे हैं, इसे फाइव पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पार्ट वन, ये ट्राइंगल बन रही है। पार्ट टू, एक रेक्टेंगल बन रही है। पार्ट थ्री, एक ट्रेपीजियम बन रही है। पार्ट फोर और पार्ट फाइव, एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो हमें इसका टोटल एरिया बताना है कि कितना एरिया यूज हुआ है कलर्ड पेपर का। तो इसके लिए क्या करते हैं, वन बाय वन सभी पार्ट्स का एरिया इवेल्युएट कर लेंगे और फिर क्या करेंगे, सभी को एड कर देंगे। तो सबसे पहले हम निकालते हैं पार्ट वन का एरिया। पार्ट वन, हमारे पास फिगर बनी हुई है एक ट्राइंगुलर शेप में, जैसा कि ये नजर आ रहा है। ये वाली साइड है हमारे पास 5 सेंटीमीटर, ये वाली साइड दे रखी है 1 सेंटीमीटर, तो ये साइड भी कितनी हो जाएगी हमारे पास 1 सेंटीमीटर। ये आपके पास 5 सेंटीमीटर है, तो ये वाली साइड भी कितनी होगी 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन रही है, जिस ट्राइंगल के हमारे पास तीनों साइड्स गिवन हैं। तो विद द हेल्प ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला हम यहां से इसका एरिया इवेल्युएट कर लेते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1, बी इक्वल टू 5 एंड सी इक्वल टू 5। ए बी सी मान लिया, इसके बाद हम सेमी पेरीमीटर इवेल्युएट करेंगे एस। एस इज इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है 5, सी की वैल्यू भी है 5 बाय 2। इसे इवेल्युएट करते हैं तो ये वैल्यू बन गई हमारे पास 11/2। डिवाइड करने पे ये वैल्यू बनी है हमारे पास 5.5। जब 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आएगी 5.5। हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं, तो एरिया ऑफ पार्ट वन, पार्ट वन का एरिया होगा स्क्वायर रूट ऑफ एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। यहाँ पे ये सभी वैल्यूज इंसर्ट करते हैं। एस, एस की वैल्यू है हमारे पास 5.5 इंटू एस माइनस ए, एस की वैल्यू है 5.5, ए की वैल्यू है 1, एस की वैल्यू है 5.5, बी की वैल्यू है 5, एस की वैल्यू है 5.5, सी की वैल्यू है हमारे पास 5। अब इन्हें इवेल्युएट करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 5.5 इंटू 5.5 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करना है। देखिए 5.5 दे रखे हैं, 1 के बाद डेसिमल लगा सकते हो 1.0। अब इन्हें आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो वैल्यू बनी 4.5। सिमिलरली 5.5 में से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.5, अगेन से 0.5। अब इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने के लिए आप क्या कीजिए, सबसे पहले इन डेसिमल्स को लीव कर दीजिए, विदाउट डेसिमल इन सभी की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो यहां से देखिए 5.5 की 4.5 से करनी है। मैं कह रहा हूं कि एक बार आप इन डेसिमल को छोड़ दीजिए, इनकी डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5.5 की
डेसिमल लीव करते हैं, 55 की 45 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 फिफ्ट जा 25 और 2 27 इंटू 4 फिफ्ट जा 20 2 आया, 4 फिफ्ट जा 20 और 2 22 एड अप कर लेते हैं तो वैल्यू बन गई हमारे पास 2475। इसको मल्टीप्लाई करना है 5 × 5 से, 5 की 5 से मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 25। तो इसे मल्टीप्लाई कर देता हूं मैं 25 से, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 फिफ्ट जा 25, 5 सेवन जा 35 और 2 37 तो 3 आ गया, 5 फोर जा 20 और 3 23 तो आया 2, 5 टू जा 10 और 2 12। अब इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने पे ये 10 बनेगा, 1 14 और 1 15, फिर से 1 2 4 जा 8 और 1 9, 2 2 जा 4। इन्हें ऐड अप कर लेते हैं, 5 7 8 ये 11 बना तो एक कैरी आ गया 6। तो मेरे पास जो इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यू बनी है 6 1 8 7 5। अब देखते हैं कि डेसिमल कितने के बाद आएगा हमारे पास। यहाँ पे देखिए 1 के बाद डेसिमल, ये 2 के बाद 3 और ये 4, 4 के बाद डेसिमल हो जाएगा आपके पास 1 2 3 4। तो ये वैल्यू बनेगी इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद 6.1874। अब इसका क्या करते हैं, स्क्वायर रूट और इवैल्यूएट कर लेते हैं। स्क्वायर रूट इवैल्यूएट करने के लिए 6.1875 हम इनके पेयर्स जो बनाते हैं डेसिमल से, लेफ्ट हैंड साइड के लिए बनाते हैं 2 2 के पेयर्स, यहाँ पे 1 ही है तो 1 का पेयर ही बनेगा। उसके बाद डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में 2 2 के पेयर्स बनाएंगे, ये पेयर हो गया, ये पेयर हो गया। अगर इसके बाद और भी जरूरत हो तो 2 0 लगाई जा सकती है, क्योंकि डेसिमल के बाद आप कितनी भी 0 यूज कर सकते हो। सबसे पहले क्या करना है हमें, ये बना है हमारे पास सिर्फ ओनली 6, तो पहले देखना है 1 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 1 की 1 से करेंगे 1, 2 की 2 से करेंगे 4, 3 की 3 से करेंगे 9 9, तो ज्यादा हो गया ना इससे, तो 2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, या आप यहां पे ऐसे भी लिखते हैं 2 2 जा 4। यहां से इसको सबट्रैक्ट करेंगे 2, नेक्स्ट वाले 2 नंबर्स आपके पास नीचे आएंगे, डेसिमल के बाद आ रहे हैं नंबर तो यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, या तो आप इसका डबल कर दीजिए, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 4, या फिर आप इन दोनों को ऐड कर सकते हो यहाँ पे, तो ऐड किया तो कितना बना ये हमारे पास 4। इसके बाद नेक्स्ट 2 नंबर्स आ जाएंगे हमारे पास, डेसिमल लगा दिया यहाँ पे तो नेक्स्ट 2 नंबर्स आए हमारे पास 18। इसके बाद आपको इस नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि इससे वैल्यू कम रहनी चाहिए, अगर मैं इस नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करता हूं तो बनेगा 4 6 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आप यहां पे क्लियरली देख ही पा रहे हैं कि जब मैं 4 की 6 से मल्टीप्लाई करूंगा 24 बनेगा, ये तो मेरे पास 21 था, आप इसी कंप्लीट मल्टीप्लाई करके देखोगे तो ये वैल्यू आ रही है 276, जो इस नंबर से अधिक है। तो इसका मतलब क्या है, ये 6 पे तो नहीं जाएगा, 5 पे करके देख लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू बनेगी 5 5 जा 25, 5 4 जा 20 और ये आपके पास कितना आ गया 22। ये भी वैल्यू क्या है, इससे अधिक है तो 5 पे भी नहीं जाएगा तो ये कहां पे जाएगा 4 पे, तो हम यहां पे लिखेंगे 4
और इस नंबर को मल्टीप्लाई करना है आपको 4 से, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 4। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 16, 1 आया, और 4 4 16 और 1 17। सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं इनको, सब्ट्रैक्ट करने पे वैल्यू बनी 2, ये हो गया 11, यहाँ पे आपके पास वैल्यू बची 4। उसके बाद नेक्स्ट 2 पेयर उतार लोगे, ये वाली वैल्यू आएगी यहाँ पे 75। या तो आपके पास जो ये वैल्यू बनी है कितनी है, ये 24, इसका डबल कर दीजिए, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आ गई आपके पास 48। या फिर आप यहाँ पे 44 और नीचे 4 लिखा था तो इनको ऐड कर दीजिए, इनको ऐड करूंगा तो कितनी वैल्यू आ गई 48। या तो इस नंबर को डबल कीजिए आप, या फिर 44 4 जा पे गया था तो 4 इसके अंदर ऐड कर देंगे तो वैल्यू बन गई 48। अब आप इसको देखना है कि ये वाली वैल्यू आपके पास कितने पे जा सकती है, तो आप यहाँ से देखिए सिंपली 4 को देखिए पहले किससे मल्टीप्लाई करूं कि 42 या इससे कम रहे। अगर 4 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 9 से तो कितना आ जाएगा मेरे पास, 4 9 जा 36, तो इससे कम रह रहा है तो हो सकता है ये 9 पे चला जाए। लेकिन यहाँ पे देखिए आपके पास इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 की 8 से तो कितना होगा 72, तो 36 में 7 और ऐड करेंगे तो क्या वो मेरे पास 42 से कम रह रहा है। पहले ये देखिए, चलिए मान लेते हैं कि हो सकता है ये 9 पे चला जाए, तो इस नंबर की हम 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी आपके पास 9 9 जा 81, 8 9 8 जा 72, और 8 80 36, और 8 कितना हो गया 44। तो ये तो नहीं जा रहा, तो इसका मतलब ये कहां पे जाएगा, इससे कम पे आ जाइए, 8 पे देख लेते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 जा 64, 64 और 6, 64 में 6 ऐड करेंगे 70 8 4 जा 32, 32 और 7 39, तो ये हमारे पास 8 पे गया, 8 पे मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू आ रही है 3 9 0 4, तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास 2.48, इसकी वैल्यू होगी 2.48। 2 डेसिमल तक काफी है, क्या करते हैं इसे भी 1 डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 1 डेसिमल पे वैल्यू कितनी होगी 2. अगर डेसिमल के बाद कोई भी आपके पास इंटीजर वैल्यू ग्रेटर देन है 5 या 5 से, या तो 5 होनी चाहिए या फिर 5 से अधिक होनी चाहिए, तो उससे पहले वाली वैल्यू एक बढ़ जाती है, ये कितना 8 है, तो इसे हम लिखा जा सकते 2.5 cm². ये इसका आपके पास एरिया हो जाएगा पार्ट 1 का। इसे इक्वेशन 1 से डिनोट कर देते हैं और इसे यहां से रफ कर लेते हैं। पार्ट 2 में हमारे पास ये जो पार्ट 2 बना हुआ है क्लियरली एक रेक्टेंगल बन रहा है, ये रेक्टेंगल शेप बन रही है। इस रेक्टेंगल शेप में ये वाली साइड 1 cm है और ये वाली साइड हमारे पास दे रखी है 6.5 cm, यहां से लेके यहां तक की साइड है 6.5, तो इसका एरिया इवैल्यूएट करते हैं। एरिया ऑफ पार्ट 2, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है इसके अंदर 6.5 इंटू ब्रेथ है 1 cm, 1 से तो हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वही नंबर आता है,
तो ये आ गया हमारे पास इस वाले पोर्शन का एरिया 6.5, जो हमारे पास ये सेकंड पोर्शन है इसका एरिया बन रहा है 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं। अब बात करते हैं पार्ट 3 की। पार्ट 3 में हमारे पास ये फिगर बन रही है ट्रेपीजियम की। ट्रेपीजियम में हमारे पास साइडें गिवन है कि ये जो ऊपर वाली साइड है 1 सेंटीमीटर, साइड वाली साइडें 1-1 सेंटीमीटर बन रही हैं, जो ये आपके पास नीचे वाली साइड है ये है 2 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक की साइड कंप्लीट साइड है 2 सेंटीमीटर, बाकी सभी साइडें 1-1 सेंटीमीटर हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं हम, इस नीचे वाली साइड का मिड पॉइंट बन रहा है मान लीजिए ये, तो यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस होगी हमारे पास 1 सेंटीमीटर और यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस होगी 1 सेंटीमीटर। अगर हम इसको इससे मिला दें और इस वाले पॉइंट को इससे मिला दें, या फिर आप ये कह सकते हो कि इस वाली साइड के ये वाली साइड पैरेलल खींची गई है जो इस वाले पॉइंट से होके जा रही है, तो आपके पास जो ये तीन ट्रायंगल्स बन रही हैं, तीनों की तीनों ट्रायंगल्स इक्विलेटरल ट्रायंगल्स बनेंगी। ये वाली साइड भी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर होगी, ये साइड भी आपके पास 1 सेंटीमीटर होगी। तो हमें इसका एरिया निकालना है, तो एरिया कितना हो जाएगा 1, 2, 3 3 × एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ पार्ट 3 होगा इज इक्वल टू 3 इसलिए लिख रहा हूं कि ये तीन ट्रायंगल बन रही है एक जैसी। एक ट्रायंगल का एरिया निकाल लेते हैं, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखिए ट्रायंगल कैसी बनी है, ये भी साइड 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रही है, तीनों साइडें इक्वल हैं इसकी। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 ए स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला होता है हमारे पास एरिया ऑफ ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, और तीन ट्रायंगल बन रही थी इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये वैल्यू आएगी हमारे पास 3 √3/4 a। a की वैल्यू है मेरे पास, a क्या होता है साइड ऑफ अ ट्रायंगल, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी दे रखी है 1-1 सेंटीमीटर दे रखी है, तो ये हो गया 1 का स्क्वायर। ये वैल्यू होगी 3 √3। स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.732/4। आपको रिमेम्बर रखना है बिकॉज स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू होता है 1.732। 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसकी, तो 3 से मल्टीप्लाई करने पे वैल्यू बनेगी 6 9 21 3 or 2 5/4। इसको 4 से डिवाइड करना है, साइड में कर लेते हैं 5.196 डिवाइड करना है इसे 4 से, 4 1 4 कितना बचा 1 decimal। डेसिमल यहाँ पे लगाया तो यहाँ पे भी आपके पास डेसिमल आ जाएगा। नेक्स्ट नंबर उतारेंगे तो कितना हो गया ये 11 4 2 8 3। नेक्स्ट नंबर उतारेंगे 9 4 9 36 अगेन से 3। नेक्स्ट नंबर उतारेंगे यहां से तो कितना आएगा 6, तो ये कितना हो गया 36 4 9 36। तो वैल्यू बनी है हमारे पास 1.2
नाइन नाइन। इसे क्या करते हैं, वन डेसिमल प्लेस तक कर लेते हैं इसे भी, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये क्या है फाइव या फाइव से बड़ी वैल्यू आ रही है, तो इससे पहले वाला क्या हो जाएगा आपके पास एक नंबर बढ़ जाएगा, या आप ऐसा कह सकते हो कि ये वाली वैल्यू बड़ी है तो इससे पहले वाला एक नंबर बढ़ेगा, तो कितना हो गया टेन, टेन हुआ तो इसका मतलब ये थ्री बन जाएगा यहाँ पे आपके पास, तो इससे पहले वाला नंबर एक इंक्रीज करेंगे तो 1.3 एरिया है, तो इसकी यूनिट जो होती है यूनिट स्केयर होती है हमारे पास, सेंटीमीटर दे रखा है सेंटीमीटर स्केयर आएगा, इसे इक्वेशन नंबर थ्री दे देते हैं, और ये साइज पार्ट फोर में हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है, क्लियरली ये लाइन आपके पास सीधी गई हुई है, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है, और राइट हैंड साइड में भी आपके पास सेम इसी तरह की राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है, तो ये वाली साइड तो हो गई 6 सेंटीमीटर, और ये आपके पास यहां से लेके यहां तक की साइड बनी है 1.5 सेंटीमीटर, तो जो आपके पास ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है इस शेप की, इसका एरिया इवेल्युएट कर लेते हैं, फोर एरिया ऑफ पार्ट फोर इज इक्वल टू होगा राइट एंगल ट्राइंगल दे रखी है, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस और हाइट, राइट एंगल ट्राइंगल बनती है जो एंगल 90 डिग्री का बन रहा होता है उसके सामने वाली साइड, तो हाइपोटेन्यूज होती है, उसके अलावा जो दो साइडें बनी है इनमें से एक बेस होती है दूसरी आपके पास हाइट होती है, तो ये वैल्यू बनेगी 1.5 इंटू हाइट हो जाएगी 6, कैंसल आउट करते हैं 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 1.5 को, यानी पहले आप पॉइंट को छोड़ दीजिए, 15 की 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 45, डेसिमल देखिए कितने के बाद आ रहा है 1 के बाद, तो यहाँ पे डेसिमल 1 के बाद लगा दीजिए, ये हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर, इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल देते हैं, पार्ट 5 तो एरिया क्या होगा पार्ट 5 का, एरिया ऑफ पार्ट 5 इज इक्वल टू होगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिकॉज जो पार्ट 4 बन रहे हैं और पार्ट 5 बोथ आर इक्वल, दोनों इक्वल है, ये वाला आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, पार्ट 5 भी आपके पास राइट एंगल ट्राइंगल है, अब क्या करते हैं टोटल एरिया इवेल्युएट कर लेते हैं, कितना कलर्ड पेपर यूज हुआ है, टोटल एरिया ऑफ कलर्ड पेपर यूज इन सभी पार्ट्स को सम कर लेते हैं, तो ये होगा मेरे पास पार्ट 1, पार्ट 1 का हमारे पास एरिया बना है 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आई थी ये, क्योंकि हमने नेक्स्ट वाले डेसिमल प्लेसेस को यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया था, तो इसके सामने चाहो तो ये अप्रोक्सीमेट लिख सकते हो आप कि अप्रोक्सीमेटली वैल्यू बनी थी हमारे पास पार्ट 2, इन सबको ऐड करना है, चाहे तो आप इसके सामने लिख के बीच में प्लस के निशान लिख के ऐड कर दीजिए, नहीं तो इसे सीक्वेंस में लिख लेते हैं कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आए, तो हमारे पास जो पार्ट 2 की वैल्यू बनी थी 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, और पार्ट 3 की वैल्यू आई थी 1.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये भी हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू थी, पार्ट फोर की वैल्यू हमारे पास बनी है 4.5, एग्जैक्ट वैल्यू निकली है ये, और पार्ट 5
इसकी वैल्यू भी आई है 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इन सबको ऐड कर लेते हैं तो टोटल जो एरिया होगा कलर्ड पेपर का, टोटल एरिया ऑफ कलर्ड पेपर यूज इज इक्वल टू, इन सबको ऐड कर लेते हैं। ये ध्यान रखना है जब भी आप डेसिमल वाली क्वांटिटीज को ऐड करते हो तो डेसिमल के नीचे डेसिमल होना चाहिए। तो ये बन गई मेरे पास, अगर सभी फाइव्स को ऐड किया जाए 20, और ये हो गया हमारे पास 23। टू ऐड कर लेते हैं 4, 10 और ये आपके पास 9 बनी 19। तो वैल्यू आई 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके सामने अप्रोक्सीमेटली वर्ड लिख दीजिए क्योंकि ये वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेटली आई है क्योंकि इन वाली दो क्वांटिटीज को हमने अप्रोक्सीमेट किया था, कंप्लीट डेसिमल प्लेसेस तक नहीं लिखा। तो आपके पास जो टोटल कलर्ड पेपर यूज हुआ है इस एरोप्लेन को बनाने के लिए वो है 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। थैंक यू।